मुरादाबाद पुलिस ने दो लोगों को एक अनुसूचित जाति के युवक के साथ मारपीट करने व जाति सूचक शब्द बोलकर अपमानित करने के मामले में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम हटहट के रहने वाले अनुसूचित जाति के पप्पू का बेटा सौरभ अपने गाँव से 3 किलोमीटर दूर गोधी हमीरपुर ग्राम में मुजम्मिल के दुकान से पशुओं को खिलाने के लिए खली लेने गया था। पप्पू के मुताबिक दुकानदार जिलानी ने उसे जाति सूचक शब्द से अपमानित किया। जब पप्पू के मुताबिक उसके बेटे सौरभ ने इस बात का विरोध किया तो जिलानी के समर्थन में आए मुजम्मिल ने उसके साथ और ज्यादा मारपीट करने के साथ ही उसका मोबाइल फोन भी तोड़ दिया। सर मेरा नाम पप्पू है। सर क्या हुई है घटना? सर मैंने लोन की भैंस ले रखी है सरकार से, उसके लिए मैंने खल चोकर लेने भेजा था दुकान पे। मुस्लिमों का गाँव है सर, वो मेरा लड़का गया था, एक लेडीज खड़ी थी दुकान पर, मेरे लड़के ने हॉर्न बजाया कि हट जा मैं, तो वो बोला कि तू लेडीज के देख के हॉर्न बजा रहा है। उसने दुकान वाले ने मारना शुरू कर दिया मेरे लड़के को, और 8-10 लड़के थे और उसके पास पड़ोस के, उन्होंने भी मारा पीटा, मार के वहाँ पर डाल दिया, उसका मोबाइल भी तोड़ दिया था, कान में सोने की तुरिया पहनिया था वो भी खींच ली उन लड़कों ने। फिर हमको पता लगा तो हम उठा के लेके आए उसको गोद में। मुजम्मिल नाम उसका था दुकान वाले का। हाँ जी, पुलिस रिपोर्ट के अनुसार उनसे एसपीएससी एक्ट लगाई गई है और आपका कहना है केवल मारपीट हुई थी? नहीं सर, मार के डाल दिया था उन्होंने, बिल्कुल जैसे मारा जान के छोड़ा। जी मारा था, कानों से खून, मुंह से खून आ रहा था उसके लड़के को जब उठा के लेकर आए थे। जी उन्होंने कहा था साले भंगी भंगी भी गाड़ी चलाने लगे, खलचोर खरीदने लगे, भंगी इतने अमीर हो गए। कहना चाहोगे? क्या नाम है तुम्हारा? अरे क्या नाम है तुम्हारा? जिलानी। क्या मामला हुआ था तुम पे दर्ज हुआ है? किसी जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करा था तुमने? बस नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम मुजम्मिल परचून का काम, मेरा 22 साल से काम कर रहा हूँ मैं। अच्छा भाई, छोटा बेटा आपके ऊपर आरोप है, आपने उन्हें जाति सूचक शब्द कहे? नहीं सर, गलत है बिल्कुल, वो तो एक किसके अलावा क्या भी कह सकते हैं, वो ये लोग यही कहेंगे। 22 साल से मेरा परचून का काम है, वो सौदा लेने आया था। किस बात को लेकर विवाद हुआ था? वो उधार नगद के ऊपर लेके विवाद हुआ, बच्चों में। काय की दुकान है? क्या किराना? अच्छा आप ये बताइए कि आप कहाँ थे उस वक्त जब झगड़ा हुआ? सर मैं बारात में गया हुआ था, उसमें क्या नाम है सियाली में बारात में गया, मेरा बेटा था छोटा, उससे हुआ ये हुआ। मैं तो आया हूँ 9 बजे, 6 बजे का भाग गया था। अच्छा शाम का? हाँ शाम का 6 बजे का भाग गया, मैं रात को 9 बजे आया हूँ। आपने कोई जाति सूचक शब्द नहीं? सर कोई बात नहीं, सर कोई बात नहीं। जब ये कितनी पुरानी घटना है, कितने दिन हो गए? चौथा दिन है ये, वो गाँव गाँव प्रधानी का राग मामला चल रहा, तो सियासत चल रही है। सौरभ की पिटाई की सूचना जैसे ही परिजनों को मिली तो परिजनों ने पुलिस को सूचना दे दी, जिसके बाद पुलिस ने घायल सौरभ को जिला अस्पताल भेज दिया है। परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर आरोपी जिलानी व मुजम्मिल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वहीं आरोपियों के मुताबिक पूरा मामला गलत है, उधार में लेन देन को लेकर कहा सुनी हुई थी, लेकिन बाद में ये झूठा मामला दर्ज करा दिया गया है। प्रधानी के चुनाव के कारण रंजिशन ये मामला दर्ज कराया गया है। वहीं पुलिस अधिकारी विद्याचरण मिश्रा के मुताबिक घटना के बाद मिली तहरीर पर मामला दर्ज कर आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है। मुरादाबाद से अशरफ अली की रिपोर्ट। मैं ग्राम प्रधान पति हूँ, पीपलसाना गुलाम गोस मेरा नाम है। वो सब क्या आरोप लगा है कि इन दोनों लड़कों ने एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को जाति सूचक शब्दों से संबोधित किया और ये कहा कि तू खल लेना है? ना ये गलत है, ये बिल्कुल झूठ है। ऐसा था जब ये बच्चा खल लेने के लिए दुकान पर आया तो उसने कहा भाई कितनी लेगा, के इतनी लेगा, क्या रेट है, कि ये रेट है। बोले ये रेट तू कैसे दे देगा? तो बोले भाई जब रेट आई है तो उसी रेट के हिसाब से बेचे जा रही है, वैसे तो नहीं है। इस बात पे ही आपस में कहा सुनी हुई है, कोई गलत शब्द नहीं गया जिससे कि किसी की कुंभ या किसी को ठेस पहुंचे, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, इस चीज़ को मैं भी नकारता हूँ और जो मेरे पड़ोसी गांव हैं सभी नकारना चाहते हैं, जो माए गोदी तलक के नकारना चाहते हैं, ये बिल्कुल गलत। दुकानदार जो है पहले से सामान लेते थे इनसे लोग, या आज इस बात को लेकर 4 दिन पहले झगड़ा हुआ? और ये जो झगड़ा हुआ इनसे नहीं हुआ, जो लड़के हैं ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ 10 साल का बच्चा ऐसा हुआ, बाकी किसी बड़े वाले से नहीं हुआ, किसी से भी। ये तो रंजिशान जो है फंसाया गया, ये मौके पर भी नहीं थे, ये शादी में गए हुए थे क्योंकि इसके वालिद साहब वगैरह
जो भी थे, ईसा जो जिस तरह से उलझाया गया, ये रंजिशान वहाँ गांव की रंजिश प्रधानी का समय चल लिया, इस उससे लपेटा गया इसे, और ये जानबूझ का फंसाया जा रही है, ये है नहीं। सर आरोप लगा है कि दो दलित लोगों के साथ एक दुकानदार ने जाति सूचक शब्द कहकर अपमानित किया है, उसको क्या कार्रवाई हुई है, गिरफ्तारी हुई है? इस संबंध में वादी के प्रार्थना पत्र के आधार पर 323-504 IPC और SC/ST एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है और दो नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। गांव में सामान्य स्थिति है कानून व्यवस्था की और हमारे द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पीड़ित परिवार को समुचित सुरक्षा भी प्रदान की गई है। कुछ प्रथम पता चला कि क्या घटनाक्रम था? कि दुकान पर पशुओं के खल को लेकर के, जैसा कि FIR में बताया गया कि पशु का खल लेने गया था, इस संबंध में ही कुछ आपसी विवाद हुई थी और मारपीट के बाद प्रकाश में आई है, शेष विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। दो आरोपी गिरफ्तार।